बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थैंक गॉड व्हेन वन हैज़ टू गिव अ टॉक तो वन इज़ अलाउड टू यूज़ अ बूटी फॉर इट। आई एम इंडीड ऑनर्ड एंड डिलाइटेड टू बी हियर एंड इट इज़ आई थिंक अ प्रिविलेज टू स्पीक टू यू ऑन दिस वर्ल्ड फिलॉसफी डे। जिस तरह के मुझे टॉपिक असाइन या मैंने सोचा तो चूंकि इसके अंदर आई एम नेस पे फोकस है तो इसलिए आई विल ट्राई टू कीप इट बायलिंगुअल। प्राइमरली आई विल टॉक इन उर्दू। ये जो सफ़र है अपनी ज़ात की तलाश का, अपनी तलाश का, मेरा ख़्याल है कि इसका बड़ा बुनियादी और कलीदी ताल्लुक़ है हमारी ज़िंदगी से। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से हमेशा से इंसानों को इसकी जस्तजू रही कि वो अपने आप को जान सकें और अपनी ज़ात को पहचान सकें। तो अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द ग्रैंडेस्ट ऑफ ऑल थीम्स कि जिसमें हम अपने आप को पहचानने की जस्तजू करते हैं। मैं चूंकि एक एकेडमिक सेटिंग में हम बैठे हैं तो मैं अपने सफ़र की बात करता हूं कि जिस तरह मैंने जब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का आगाज़ किया और ख़ास तौर से अपने स्कूल लाइफ के अंदर ही जब हमने अंग्रेज़ी अदब पढ़ा, हमारे असातिज़ा ने हमें इनक्रेज किया कि हम अंग्रेज़ी अदब पढ़ें, तो उसमें जो कहानियाँ पढ़ी स्कूल की सेटिंग में, फॉर्मल सेटिंग में, तो वो चाहे एनेट ब्लाइटन की सीरीज़ हो या वो फेमस फाइव हो या हार्डी बॉयज़ हो या इसी तरह दीगर जो कहानियाँ थीं, तो उसको पढ़ते हुए एक एहसास, क्योंकि एक बड़ा प्लीजिंग एक्सपीरियंस होता था, तो ये एहसास होता था कि इसमें हम कहाँ हैं या मैं कहाँ हूँ या वो मेरे दोस्त जो हम मिल के इन्जॉय करते हैं वो कहाँ पे। तो एक सवाल कहीं मार्जिन्स पे रहता था लेकिन ये कभी करने की जुरत नहीं हुई। आगे बढ़े, बीए में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा तो वहाँ भी जितनी भी निसाबी कुतुब थी वो सब की सब बरतानवी तनाजुर की लिखी हुई और उन राइटर्स की थी। तब भी एक हाशिया ख्याल में ये बात हमेशा रहा करती थी कि इसमें हम जैसे लोगों के नाम कहाँ पे हैं, हमारे दोस्तों के नाम क्यों नहीं हैं और एक दूसरे कल्चर के ही नाम हैं। और इसी के साथ साथ उसी कल्चर को इंटरनलाइज करने का प्रोसेस जो है वो साथ साथ चलता रहा और उसी के साथ अपना जुग्राफिया, अपने शहर, उन शहरों की वो जगहें जहाँ हम घूमने जाया करते थे, तो हमेशा उसका मवाजना उस मंजरकशी से करते थे जो कि उन नॉवेल्स में हम पढ़ते थे। मेरा ख़्याल ये बड़ा नेचुरल था लेकिन एक सवाल हमेशा रहा कि इसमें हमारे दरियाए सतलुज का ज़िक्र कहीं नहीं मिला। एक अहमकाना सवाल भी है कि आप अंग्रेज़ी अदब की कहानी पढ़ते हुए ये क्यों सोच रहे हैं, लेकिन इंसान किस हद तक अपनी ज़ात की और अपने होने की नफ़ी कर सकता है। अगले दर्जे में जब मास्टर्स शुरू किया तो वहाँ भी यही सूरत हाल, वहाँ कोई कदर हिम्मत हुई, कभी पूछ लिया उस्ताद से तो उन्होंने स्नब भी किया और साथ में ये भी कहा कि लिटरेचर यूनिवर्सल होता है, लिहाजा इसमें इस तरह के सवाल लाने की बजाय आप देखिए कि शेक्सपियर के किरदार भी इंसान हैं, उन पर जो बीतती है वो भी इंसानों पर बीतती है, लिहाजा ये यूनिवर्सल है और यूनिवर्सल होने के नाते हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए शेक्सपियर या मिल्टन या दीगर राइटर्स को पढ़ने के हवाले से। बहरहाल ये सवाल कभी नहीं आया कि ये यूनिवर्सल अदब जो है ये सिर्फ मगरब का अदब यूनिवर्सल है और जो हम अपने घर में जाके जो अदब पढ़ते हैं, चूँकि उसको कभी एनोबल नहीं किया गया या कम अज़ कम हमारे तनाजुर में कि उसको निसाब का हिस्सा बनाया गया, तो वहाँ से बात आगे बढ़ी और अगले दर्जे के अंदर फिर जब एमफिल और पीएचडी की तरफ आए तो मज़ीद मबाहिस पढ़ने का इत्तफाक हुआ और वहाँ ये जाना कि सिर्फ मैं
या मेरे जैसे तलबा पाकिस्तान में बैठे हुए ये सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि दुनिया भर या आलमी जनूब में बैठे हुए अफराद जो कि कॉलोनाइजेशन का शिकार रहे, हर जगह पे ऐसे सवालात उठाए जा रहे थे। और अगले दर्जे में ये पता चला जब मजीद मुतालिया किया, असातिज़ा से सीखा, तो ये पता चला कि इसके डांडे मगरबी फ़लसफ़े से मिलते हैं कि किस तरीके से, ख़ास तौर से आज जो मौजू का मेरा जो मेरा मौजू है उसका जो पहला हिस्सा है आई थिंक वेयर आई एम, तो इसके बारे में जब पढ़ा, वो MSN मैसेंजर्स का दौर होता था शुरू शुरू में, तो डेकार्त की ये कोट पता चली और सोशल मीडिया का आगाज़ हो रहा था, तो हमें भी जुमला ये बड़ा पसंद आया और बड़ी जगहों पे इसको इस्तेमाल करते थे, आई थिंक देयर फोर आई एम। तो आगे चलते हुए ये देखा कि किस तरह ये जुमला जो कि मॉडर्न फिलॉसफी की बुनियाद माना जाता है, और फ़लसफ़े के जैसे कि दकीक मामलात डॉक्टर रशीद अरशद साहब आपके सामने पेश करेंगे, तो जब उसको हमने देखा तो ये जाना पढ़ा कि आई थिंक देयर फोर आई एम कि इस थॉट को ही डायरेक्टली होने से लिंक किया जा रहा है, आई एम नेस से लिंक किया जा रहा है, जिसको यहाँ मैं आई एम नेस कह रहा हूँ। और यकीनन वो एक दकीक बहस है कि वो किस हवाले से अपने होने को साबित इसी बात से करता है कि मुझे सिर्फ इसी बात का यकीन है कि मैं सोच रहा हूँ और इसी सोचने से मैं जानता हूँ कि मैं हूँ। बहरहाल बात आगे चलती है 17वीं सदी से, और ये पता चलता है यूनिवर्सिटियों के तनाजुर में मुताले से, गौर फिक्र से, असातिज़ा से सीखने से, कि किस तरह ये बुनियाद बनती है कि आई थिंक देयर फॉर आई एम में जो एक क्रूशल लिंक है उसको काट दिया गया। और वो क्रूशल लिंक क्या था? हमारा लोकेल, हमारा जुग्राफिया, हमारी जियो हिस्ट्री, हमारी जियो पॉलिटिक्स, हमारी जियोग्राफी, और डायरेक्ट उस थॉट को करार दे दिया गया अपने होने का, यानी कि होने के वजूद को हम एक थॉट से जोड़ के हम देखना शुरू हो गए। अब ये हुआ कैसे? ये हुआ यूं कि जिस थॉट को लेकर आया गया, क्योंकि सियासत हर जगह होती है, मामले माशरे या ग़ुलाम होते हैं या आज़ाद होते हैं, तो इन्हीं अगर हम 17वीं सदी में देखें, ये वो दौर जिसके अंदर सबसे पहला अंग्रेज़ इस खत्ते के अंदर आता है, अर्ली 17th सेंचुरी के अंदर, तो हम उसी दौर में एक वेस्ट की एक्सपेंशन देखते हैं। 1492 में अमरीका पर उनका कब्ज़ा होता है और इसी तरह वो दुनिया भर में अपनी कॉलोनीज़ जो है वो बसा रहे हैं, और उसी के अंदर जैसे जैसे वो दुनिया भर में फैल रहे हैं वैसे वैसे मग़रब के अंदर फ़लसफ़ा, जिसको उर्फ़ आम में हमारे यहाँ फ़ाइलो और सोफ़ोस, लव ऑफ विजडम के नाम से जाना जाता है, तो वो मुख्तलिफ़ हवालों से वो फ़लसफ़ा भी पनप रहा है। और वो जो दौलत सिमट के यूरोप में आ रही है उसके नतीजे में वो किताबें तहरीर हो रही हैं, उन लिखारियों को मुआवजे दिए जा रहे हैं, उसके बुनियाद पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स बन रहे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर ये फ़लसफ़ा जो है वो फैल रहा है। अब इसके नतीजे में हम देखते हैं कि ये जो आई थिंक देयर फॉर आई एम है, ये जो आय थी ये यूरोपियन आय थी, आय मैं, ये जो मैं थी ये यूरोपियन मैं है जो अपने तनाजुर के अंदर पनप रही है, फ़रोग पा रही है, और वो ये देख रही है अपने तनाजुर में कि ट्रेड फ्लरिश कर रही है, दुनिया भर में जा रहे हैं, दुनिया भर में जाने के नतीजे में अपने आप को डिफ़ाइन कर रहे हैं यूरोप वाले कि हम कौन हैं, और उसके नतीजे के अंदर एक पूरा एक दबिस्तान वजूद में आ रहे हैं मुख्तलिफ तरह के, और उनके आपस में बाहमी मबाहिस है। तो ये फ़लसफ़ा जैसे फ़लसफ़े की एक बुनियादी शाख है एपिस्टमोलॉजी, और इसको बड़े सिंप्लीफाई किया एक इंडियन थियोरिस्ट ने, गायत्री स्पीवैक ने, और उसने कहा कि मुझे ज़्यादा आसानी से समझ आ गई ये बात, कि उन्होंने ये लिखा कि एपिस्टमोलॉजी बनती है, यानी कि जो हम नॉलेज एक्वायर करते हैं उसके हवाले से सवाल कि वो कैसे एक्वायर हम कर रहे हैं, उसके जितने भी प्रोसेसेस हैं उन पे गौर फिक्र करना, एपिस्टीम चूँकि ग्रीक में नॉलेज को कहते हैं और लॉजी जहाँ भी आया वहाँ से मुराद स्टडी है, तो वो जितने भी, उसने कहा ऑब्जेक्ट्स ऑफ एपिस्टमोलॉजी,
आसान हो गया काम कि जो भी हम जान रहे हैं, मसलन ये सवाल के इंसान कौन है, मसलन ये सवाल के कायनात क्या है, ये हमें किस तरीके से और किन प्रोसेसेस से और कौन ये बता रहा है कि इसके जो है मानी और मतालब क्या हैं, उसका फहम पैदा करना। तो तमाम दुनिया की चीज़ों के बारे में जानना जो हम जानते हैं, कभी ना कभी हमें बताया गया कि इंसान कौन है, मसलन के कायनात क्या है, मसलन ये कि हम जिंदा क्यों हैं, मसलन ये कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, मसलन ये कि हम बतौर इंसान होने के दूसरे इंसानों से हमारे रवाबित क्या होंगे या होने चाहिए, या दूसरी अकवाम से हमारे क्या रवाबित होने चाहिए। तो ये ख़ास तनाजुर में जिसको एक इंडियन थियरिस्ट करार देता है प्रोविंशियल नॉलेज, कि वो प्रोविंशियल नॉलेज था जो यूरोप के उस तनाजुर के अंदर वो फ़रोग पा रहा था और उसकी साख्तियात तय हो रही थी 17वीं सदी में, और साथ साथ इनकी कलोनियल एक्सपेंशंस दुनिया भर के ख़त्तों के अंदर हो रही थी। और जैसा कि अब तहकीक से साबित है कि नस्ल कुशी ऐसी इंसानी तारीख में नहीं हुई जैसे यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के नतीजे के अंदर हुई, नस्लों की नस्लें मिटा दी गई। और इसके लिए मैं ज़रूर रिकमेंड करता हूँ अप्रैल 2021 की डॉक्यूमेंट्री राहुल पेक की, जिसका टाइटल है एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स, कि उसको इकट्ठे होकर तलबा भी ज़रूर देखें कि जिसमें उसने शवाहिद इकट्ठे किए। और असल में ये बेस करती है एक स्वीडिश राइटर स्वेन लिंक्विस्ट की किताब है विद द सेम टाइटल, और इसी तरह एक और उसकी किताब है टेरा नालियस। उन दो किताबों और दो और किताबों के ऊपर बेस करके इस अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो ये मैं तकवीत दे रहा था और शवाहिद दे रहा था इस बात के कि यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ने दुनिया भर के अंदर नस्ल कुशी किस किस तरह से की। वो ऐसी डॉक्यूमेंट्री है कि आप आंसू बहाए उसको नहीं देख सकते, कि मसलन उसमें वो वाकया कि नेटिव अमेरिकन ट्राइब जहां अमरीकी और जहां यूरोपियंस पहुंच रहे हैं सफ़ेद फाम नस्लें, तो वो लोग इनको ये कह रहे हैं जब इन्होंने उनका कत्ल शुरू किया और उनको कहा, तो वो हैरान हो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जब बहतात है खुराक की तो हम जब मिल के खा सकते हैं और हम इंसानों की तरह रह सकते हैं तो तुम हमें कत्ल क्यों करना चाहते। बट दे वेंट अहेड, क्योंकि उनको अहकाम यही थे और उन्होंने पूरे उस ट्राइब को कत्ल कर दिया। इसी से उस डॉक्यूमेंट्री का आगाज़ होता है। तो ये उनकी एपिस्टेमोलॉजी थी कि उनके नज़दीक वो खुराक, वो ज़रूरियात, वो खाना, ये मिल बांट के खाने का जो है वो के लिए होता है। जैसे वो अफ्रीकन वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसमें ये युबंटू नाम का, या वो कहते हैं कि आई थिंक आई एम बिकॉज वी आर। तो ये जो तसव्वुरात थे मकामी माशरों के, इनको ख़त्म करते हुए एक पूरा फ़लसफ़ा की साख्तियात वजूद में आई, उसके स्ट्रक्चर्स बने। जैसे जैसे ये एक्सपैंड कर रहे थे वैसे वैसे ये फ़लसफ़े की ये साख्तियात बनती चली गई। और अब इन्होंने चूंकि बज़ोर बाजू उसको इम्प्लीमेंट करना था पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये कॉलोनाइजेशन बना रहे थे, तो इन्होंने डी लिंक कर दिया थॉट को ज़मीन या ज़मीनी हकायक के साथ, थॉट को वहाँ के मकाम के साथ, थॉट को वहाँ के तनाजुर के साथ काट दिया। और इन्होंने क्या कहा कि नॉलेज यूनिवर्सल होता है, अदब यूनिवर्सल होता है, फ़लसफ़ा यूनिवर्सल होता है, और ये इसकी आड़ में जो बंदूक और तोप व तफंग के ज़रिए इन्होंने उसको पूरी दुनिया जो कॉलोनाइज़ की वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। एक अफ्रीकन राइटर इसी को यूँ बयान करता है कि एक तो वो दौर था हमारी ग़ुलामी का कि जिसके लिए वो उसने कहा द नाइट ऑफ द गन एंड कैनन वॉज रिप्लेस्ड विद द मॉर्निंग ऑफ द ब्लैक बोर्ड एंड द चॉक। The physical violence of the battlefield was replaced with the psychological violence of the classroom. इसी बात को अकबर अलाबादी ने यहाँ कहा, तोप खिसकी, यानी कि जो गुलामी मुसलत करनी थी तो पहले उसके लिए जंगें लड़ी, करोड़ों इंसानों को कत्ल किया यहाँ हिंदुस्तान में 1857 की जंग आज़ादी के तनाजुर में, और फिर उसके बाद अपना तालीमी निज़ाम और अपना फ़लसफ़ा लेकर आए, जिसको उन्होंने कहा कि तोप खिसकी प्रोफेसर आए, जो बसौला हटा तो रंदा है। ये दो कारपेंट्री के टूल्स, बसौला जो हथौड़ा होता है और रंदा वो जो मुलायम करता है। तो जब हथौड़े मार मार के एक कौम की विल को तोड़ दिया गया,
उनकी जो एजेंसी थी, फिलोसॉफिकल एजेंसी, उनके जो सोचने के तरीके थे कि ये वसाइल मिल बांट के खाने के लिए हैं, उनको जब ये तसव्वुरात को हटा दिया गया तो अपने फ़लसफ़े के इदारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशनलाइज उनको किया गया। और ये एपिस्टमोलॉजी हमारे पास आई जिस पे आज हम ईमान की हद तक यकीन रखते हैं, जो हमारे निसाबी कुतब में मौजूद है, हमारे करिकुलम में मौजूद है, जो हमारे यहाँ जो है इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई। तो वो एपिस्टमोलॉजी यानी कि वो तमाम सवालात के इंसान क्या है, कायनात क्या है, वो यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई। और इन्हीं तसव्वुरात की बुनियाद बनती है वो लफ्ज़ जो मेरे टाइटल में है, कलोनियालिटी, जो मेरा मौजू है डी लिंकिंग फिलोसफी फ्राम कलोनियालिटी। और उसके अंदर सबसे पहला तसव्वुर इज़ रेसिज्म, के नस्ले इंसानी या इंसानों की नस्लों के अंदर जो है वो एक नेचुरल हायरार्की जो है वो पाई जाती है। और सफ़ेद फाम अकवाम ज़हनी तौर पे बरतर हैं, ज़हनी तौर पे सुपीरियर हैं, और उनके पास कुछ ख़ास ऐसी करामात हैं कि वो बाकी इंसानों की नस्बत जो है वो आला दर्जे के इंसान हैं और बाकी उनसे कम तर दर्जे के इंसान हैं। ये तसव्वुर आपको शायद लगे कि मैं जज्बात में आके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप इन्हीं कुतब में पढ़ेंगे कि किस तरीके से, स्वेन लिंक्विस्ट की किताब का हवाला या डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए, कि 1955 में आखिरी उस ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के अंदर वो डिपार्टमेंट बंद किया गया है जिसका काम ही ये था, उसका पर्पस था कि वो ये साबित करे कि तमाम इंसान एक नस्ल से ताल्लुक़ नहीं रखते और इनकी एक रेशल हायरार्की है और सफ़ेद फाम लोग जो हैं वो बरतर हैं और अफजल हैं और अशरफ हैं और उसके बाद जो हैं वो ब्राउन्स हैं और उसके बाद अफ्रीकन्स हैं। 1955 में ये सेंटर ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के अंदर, रिसर्च सेंटर बंद किया गया है जिसमें ये लोगों की नाकों को नापते थे, उनके जहनों को नापते थे। वो जैसे लिंडा टोहेवाई स्मिथ की एक किताब है डीकॉलोनाइजिंग रिसर्च मेथडोलॉजीज, उसका आगाज़ होता है तो वो कहती है रिसर्च फॉर अस रिसर्च इज़ अ डर्टी वर्ड। क्यों? वो कहती है इसलिए कि हमारी तारीख के अंदर एक्सक्यूज़ मी, जो न्यूजीलैंड की मावरी कम्युनिटी थी, जो मकामी लोग थे वहाँ के, तो जब ये कॉलोनाइजर्स वहाँ पर पहुँचे तो इन्होंने उनके एंसेस्टर्स, जिनको के वो मुकद्दस समझते थे, उन एंसेस्टर्स को ये साबित करने के लिए कि ये कम तर कॉग्निटिव एबिलिटी रखते हैं, उन्होंने उनकी खोपड़ियों के अंदर वॉल्यूम को मेजर किया बाजरा डाल के, कि देखो ये मकामी लोग हैं, इनकी खोपड़ियों में जब बाजरा डालते हैं जो उनके लिए मुकद्दस थे, उनको डाल के कहा कि देखो ये हमसे कमतर हैं क्योंकि इनके अंदर ज़हनों में बाजरा कम डलता है, जो कि ऑफकोर्स नहीं था ऐसे, लेकिन ये कोशिश की। तो वो रिसर्च एक टूल बन गया उस कलोनियालिटी को इम्प्लीमेंट करने का। आज भी आप पाकिस्तान में हम बात करें, हम यहाँ इंटेलेक्चुअल गैदरिंग में हैं, यूनिवर्सिटी में हम कई सालों से इस हवाले से प्रोग्राम करते हैं, आप चेक कर लें, सर्वे कर लें, रिसर्च कर लें, जब आप पढ़े लिखे लोगों से जाके बात करेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर तब्दीली नहीं आ सकती, पाकिस्तान में ये अदल नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि हम कौम ही ऐसी हैं। इससे क्या मुराद है? जब भी हम सिस्टम्स को और अकली तौर पे चीज़ों को देखने की बजाय नस्ल को कमतर करार देते हैं तो दर हकीकत हम उसी कलोनियालिटी पर अपने ईमान को उस पर दोबारा जो है वो ताईद कर रहे होते हैं। तो वापस अपने पहले हिस्से को ख़त्म करते हुए और क्विकली दूसरे और तीसरे हिस्से की तरफ मैं जाऊंगा और ख़त्म करूंगा अगले कुछ मिनट्स में। तो ये जो आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो थॉट को डायरेक्टली आइडेंटिटी से कनेक्ट कर लेना और फिर थॉट को वेस्टर्न थॉट बना देना और फिर वो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए तमाम कॉलोनीज के अंदर इदारा जाति बुनियादों पे उसको इल्म करार देकर, उसको फ़लसफ़ा करार देकर, एक क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन के ज़रिए उसको वहाँ के अजहान के अंदर मुंतकिल और रासिक कर देना, ये वो प्रोसेस है कि जो इन 200-250 सालों के अंदर हुआ। और इसके वक्त कम है, शवाहद और एग्जांपल्स और एविडेंस वो मेरी टॉक के बाद आप मुझसे चाय पे मिले, मैं आपको पूरी लिस्ट मुहैया कर दूंगा। तो ये वो अमल है कि वो कलोनियालिटी को हमारे जहनों में रासिक कर दिया गया और उसके बदौलत जो पूरी एपिस्टमोलॉजी थी वो तख्लीक कर दी गई।
और ऑब्जेक्ट्स ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, आज हम पूरी दुनिया, भी कॉप 26 कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है अक्वामे मुत्तहिदा की, तो उसके अंदर जो पूरी दुनिया परेशान है एनवायरमेंटल डेविस्टेशन के हवाले से, तो वो किसके नतीजे में हुई है? वही कैपिटलिज्म, वही इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ये थॉट लेकर आए कि ये कायनात जो है, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, इट इज़ आउट देयर फॉर अस टू एक्सप्लॉइट इट, टू यूज़ इट. तो वो अब वो कायनात, वो जो एनवायरमेंट और क्लाइमेट अब डिस्टर्ब हो रहा है, ये हम स्मॉग से जिस तरह से गुजर रहे हैं, तो उसके पीछे वो तसव्वुरात कि हम हर तरह से आज़ाद हैं और कायनात जो है ये डेड है, इसके अंदर कोई एनिमिज्म नहीं है, ये कोई आफाकी किसी नेटवर्क, स्पिरिचुअल या मेटाफिजिकल से जुड़ी हुई नहीं है. क्योंकि इसी फलसफे ने 19वीं सदी में आके, बर्ट्रेंड रसल फॉर इंस्टेंस, वो आकर ये कहता है कि ये जो अल्टीरियर मोटिव है फिलॉसफी का, मेटाफिजिक्स, इसको तो साइड पे करो ना, बस जिस बात को मादी हवाले से हम जान सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हमें उन्हीं चीज़ों पे चलना है. जिसकी अब इंतहा ये है कि मगरबी फ़लसफ़ा, उसकी जो मेन स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूँ, तो आज का एक कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़र साइमन क्रिचले, जो कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, वो कहते हैं हमने पूरी कायनात का अंदाज़ा लगा लिया है, हमें सब कुछ पता चल गया है कि व्हाट इज़ द वर्ल्ड अबाउट, व्हाट इज़ द यूनिवर्स अबाउट, इसकी फिज़िक्स हमें पता चल गई हुई है. और फ़लसफ़ा हमारा क्या कह रहा है, कहाँ हम पहुँच गए, नाइलिज़म के ऊपर. क्या है वो, कि कायनात बेमकसद है, सेल्फिश जीन्स हैं, वो अपने हिसाब से इर्तका करते हैं और कायनात बेमकसद है. अच्छा जी, तो अब क्या करें, बस सारी चीज़ें तय कर ली, एक मसला अभी बाकी है. ही लिटरली सेज इट, दैट्स द टाइटल ऑफ हिज बुक. वो कहता है जी मसला क्या बाकी है, वी स्टिल हैव टू फिगर आउट व्हाट टू डू अबाउट डेथ, कि मौत का हमें सिर्फ तय करना बाकी है. क्योंकि पीछे वो एक ग्रीक एक मैक्सिम भी है ना, कि टू फिलोसोफाइज इज टू नो हाउ टू डील विद डेथ, तो डेथ का तय करना बाकी है. तो चलो ठीक है, अब वो तमाम तर मीनिंगलेसनेस को साबित करने के बाद फलसफे के नतीजे में वो ये कह रहे हैं कि मौत दी समझ नहीं आ रही, ये बारे की राय कायम करिए कि इसको कैसे, क्योंकि स्टिल उसका तो खौफ है. तो खैर, वो एपिस्टमोलॉजी, हम बात दूसरा हिस्सा भी ख़त्म कर रहे हैं कि वो एपिस्टमोलॉजी इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई हमारे इदारों में, हमारे जो इल्मी इदारे थे, इल्म के मराकज, जहाँ पर फ़लसफ़ा अदब के ज़रिए, तारीख के ज़रिए अजहानों के अंदर उतारा गया. मेरे अपने PhD का यही मौजू है कि अंग्रेज़ी अदब के ज़रिए किस तरह वो जो वेस्टर्न एपिस्टमोलॉजी थी और वो जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ एपिस्टीम्स कंस्ट्रक्ट कर रही थी, एपिस्टमोलॉजी, ऑब्जेक्ट्स ऑफ एपिस्टमोलॉजी, वो किस तरह अदब के ज़रिए, जिसको गायत्री स्पिवाक कहती है, इन अ क्लैंडस्टाइन मैनर, एक सीक्रेटिव मैनर में, बग़ैर बताए, वो यहाँ की जो पढ़े लिखी क्लास थी, नॉट एवरीबडी, ये भी जहन में रहे, क्योंकि तालीम उन्होंने हमेशा एक क्लास को दी है. और बार 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 जो हम रिपीट करते हैं मैकॉले के 1835 का मिनट ऑन एजुकेशन, जिसमें वो कहता है कि हमारा मकसद ये है, अगर हमने इनको ग़ुलाम रखना है तो हमें इनमें से क्लास पैदा करनी है. वी नीड अ क्लास ऑफ पर्सन्स, इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, मॉरल्स, ओपिनियंस एंड इंटेलेक्ट. तो ये चार बातें ही हमें पूरे हमारी शनाख्त और आई एम नेस को वजूद देती हैं. और उस आई एम नेस को काट दिया, डी लिंक कर दिया हमारे जोग्राफी, हमारी तारीख, कैसे उसको घटिया करार दे दिया, एनोबल किया उन चीज़ों को जो वेस्ट से आ रही हैं, और उसके नतीजे के अंदर वो निसाबात का हिस्सा बने, और जो चीज़ें मकामी हैं वो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाएंगी. यहाँ की एक डिफाइनिंग ट्रेट हमारे खत्ते की वो ये थी कि जिसमें हम अपने बातिन को समझते थे, अपनी मन की दुनिया को हम जानते थे, हमारे अंदर उठने वाले इम्पल्सेस, उनके सोर्सेस क्या हैं, क्या ये दाइया नफ्स से निकल रहा है, उठ रहा है, क्या ये दाइया एक अच्छी सोच के नतीजे में या खुदा की तरफ से आ रहा है, फरिश्तों की तरफ से आ रहा है, या ये नफ्स की तरफ से आ रहा है, या शैतान की तरफ से आ रहा है. ये पूरी एक आर्ट, पूरा एक स्ट्रक्चर्स इसके बने हुए थे, जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज हुए यहाँ मकामी तारीख में, हम जाने जो खानकाहों के अंदर हुए, और उन लोगों ने एक किरदार अदा किया, एक फ़ाल किरदार अदा किया, लोगों के बातिन को भी महज़ब बनाया,
और जहां माशरे में जुल्म की कोई कैफियत पैदा होनी शुरू हुई तो उसकी बेहकुनी के लिए भी किरदार अदा किया। लेकिन उस सारे के सारे इल्म को क्या करार दे दिया गया, हाशिए पर धकेल दिया गया, बल्कि यूनिवर्सिटियों में कोई उस हवाले से, अगर हम उसको तसव्वुफ कहें, हम उसको एहसान, उलूमुल एहसान कहें, हम उसको तरीकत कहें, या जो भी आप उसको नाम देना चाहें, तो उसको यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने की, उन पर गौर फिक्र की कि इंसान अपने अंदर की दुनिया को ना समझ पाए, इसलिए कि वो वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी कह रही थी ये तो कुछ होता ही नहीं है, मेटाफिजिक्स इज ऑल वॉट एवर जिब्रिश, इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए फलसफे के अंदर, इसको धकेल दिया जाए पीछे। लिहाजा हमारे सामने प्रोफेसर डॉक्टर अबसार अहमद साहब बैठे हैं, फॉर्मर हेड ऑफ फिलोसफी डिपार्टमेंट, इन्होंने 1980s में एक आर्टिकल लिखा, मैंने अपनी तहकीक में ही डिस्कवर किया, मैं हमेशा उसका जिक्र करता हूँ, जिसमें इन्होंने उस वक्त ये सवाल उठाया कि ये हमारा फिलोसफी डिपार्टमेंट, इसका करिकुलम ये सारा का सारा मगरबी क्यों है, इसमें कोई तनकीदी फिक्र क्यों नहीं है। और इन्होंने अफ्रीकन फिलोसफर्स के हवाले दिए कि जो आई थिंक को जोड़ रहे थे अपने जोग्राफिए से, अपने मकाम से, अपने लोकैल के साथ। तो खैर, अब क्या किया जाए, ये जो एपिस्टेमिक हेजेमनी या कॉलोनियलिटी, जो कि वो फलसफा है कि जो इंसानियत में तफरीक करता है और सफ़ेद फाम अकवाम को सुपीरियर करार देता है और पूरी दुनिया को कहता है कि अगर तुमने आगे बढ़ना है, एरो ऑफ टाइम मॉडर्निटी का, अगर तुमने आगे बढ़ना है तो तुम्हें हमें फॉलो करना है, क्यों, इसलिए कि हम अगले मकाम पे हैं और तुम पिछले मकाम पे हो, तो जो हम करते हैं तुम्हें उसको फॉलो करना है, डिपेंडेंसी थ्योरी भी इसको कहते हैं। तो हर बात जो पाथ है कि उन्होंने तो पा लिया, अब हमने उनके पीछे चलना है, उन्होंने स्काई स्क्रेपर्स बना लिए, उन्होंने ऊंची ऊंची इमारतें बना ली, वो स्पेस में चले गए, वो फलां हो गया, वो ये सारा जो रेटरिक ऑफ मॉडर्निटी है, इसके मुताबिक अब हमें क्या करना है, उनके पीछे चलना। तो ये है कॉलोनियलिटी। अब इसको डीलिंक फलसफे से कैसे करने की ज़रूरत है, आखिरी पार्ट, और दुनिया के बहुत से मुफक्किरीन जिनका ताल्लुक आलमी जनूब से है, क्योंकि याद रखें कि ये जो कंट्रीज हैं, ये आप दुनिया में ग्लोबल नॉर्थ में आपको नजर आएंगे जो कॉलोनाइजर्स हैं, और ज्यादा जो कॉलोनाइज्ड हैं वो ग्लोबल साउथ में है। तो ये इस्तिलाह इल्मी तौर पर आजकल इस्तेमाल हो रही है, एज अपोज टू ईस्ट एंड वेस्ट डिवाइड। तो अब क्या किया जाए, फलसफे के लोग क्या कह रहे हैं, अब हमें क्या जरूरत है, हमारे लोग क्या कह रहे हैं, इस एकेडमिक टर्मिनोलॉजी के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो वो हमारे सामने एक टर्म, तो इस एपिस्टेमोलॉजी से इनकार, जिसका नाम एक है एपिस्टेमिक डिसोबीडियंस, कि एपिस्टेमिक ओबीडियंस वो है कि उन्हीं इंस्टीट्यूशंस जिन बुनियादों पे वो कायम हुए हुए हैं, हम उन्हीं को मानते हुए हम भी ये कहें कि भाई जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मादी तरक्की है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन वेलबींग नहीं है बल्कि डिवेलपमेंट है, स्काई स्क्रेपर्स बनने चाहिए, चाहे वहां पर इंसानों की आप 600 बस्तियों को उजाड़ दें तो वो इंसानों की मिजरी, उनका गम, उनका उन दुख, उनकी तकलीफ डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज दैट वी शुड हैव अ स्काई स्क्रेपर। वो कौन बना रहा है, उसके पीछे ओन कौन करता है, तो क्या उस तबके की इस फिलॉसफी से कोई लिंक नहीं है, जबकि फलसफा हमारे यहां अगर हम उसको मुंतशरुल, बहुत सी मुंतशर या इंतशार की चीजों को नुक्ते वाहिद से जोड़ें और उनको कनेक्ट करके अगर हम देखें तो फिर क्या हमें वो लिंक नजर नहीं आएगा कि ऐसे सरमाया परस्त और सरमायादार तबके का जो ताल्लुक गवर्नमेंट्स में है और इंस्टीट्यूशंस में है, और उसके नतीजे में ग्लोबली मसलन कि क्या फलसफे फरोग पाते हैं बड़ी जल्दी, और कौन से फलसफों की इजाजत नहीं होती यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने की, बहरहाल यूनिवर्सिटियों के अंदर अपना क्लासरूम की आजादी होती है यकीनन। तो एपिस्टेमिक डिसोबीडियंस, ये वॉल्टर मैग्नोलो की इस्तलाह, इसी तरह वो कहते हैं एपिस्टेमिक डी लिंकिंग, कि इस एपिस्टेमोलॉजी से जो हमें ये तसव्वुरात मिल रहे हैं हमें डी लिंक करना होगा, हमें डी लिंक इनसे करना होगा, और री लिंक किससे करना होगा, अपने जोग्राफिए से, अपनी तारीख से, अपनी जियो हिस्ट्री से, अपनी जियो पॉलिटिक्स से, अपने खत्ते की तारीख पढ़नी होगी, हमें जानना होगा कि इस खत्ते के इंसान अगर 5000 साल से सर्वाइव कर पा रहे हैं और इन्होंने आज़ादाना मगरब से आज़ाद होके ऐसे ऐसे मारके मारे सर किए समाज के मसाइल के हवाले से, कि जब सन 1600 ईस्वी में
यूरोप गियोर्डानो ब्रूनो को जिंदा जला रहा था एक स्टेक के ऊपर ये कहकर कि इसने ब्लास्फेमी की है क्योंकि ये जमीन को कायनात का मरकज नहीं मानता जिस पे पोप बसता है और जिस पे हम बसते हैं, तो इसको जिंदा जला दो। ये सजा चर्च दे रहा था। तो हमारे हिंदुस्तान के आईन में लिखा हुआ था कि हर शख्स को मजहब पे अमल करने की आज़ादी है। तो हमें ऐसी बातों से रीलिंक करना पड़ेगा। तो ये उसका सलूशन है, आखिरी जो मेरा मरहला है आज की किताब, आज की गुफ्तगू का, कि डी लिंकिंग फिलॉसफी फ्रॉम कलोनियालिटी। और कलोनियालिटी वो तस्वुरात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये मामलात किए। तो एपिस्टेमिक रीलिंक करेंगे हम अपने माजी से, ऐसी चीज़ों को डिस्कवर करेंगे। अब उसके नतीजे में प्रैक्टिकली क्या नौइयत बनती है? अब हम चूंकि अपना मकाम हमारा यूनिवर्सिटी का है, तो वो ये बनता है कि हम इस इंस्टीट्यूशन को देखें, अपने हम निसाबात का जायज़ा लें, अपने हम इंस्टीट्यूशंस में इसमें हमें मज़ीद गौर व फ़िक्र की ज़रूरत पड़ेगी, तहकीक की ज़रूरत पड़ेगी। हमें जानना पड़ेगा कि ये गहरे लेवल पे कौन कौन से इसमें ऐसे एपिस्टेमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो हमें उन तसव्वुरात से दूर करके हमें भी इस बैनुल अक्वामी जो एक कंज्यूमरिस्ट और कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जो हर चीज़ को मादी नुक्ता नज़र से और फवायद के अतबार से देखती है, तो वो कौन से तसव्वुरात दर कर आएँ हमारे तालीम के नाम पे, फ़लसफ़े के नाम पे। तो ये हमें इसको देखने की ज़रूरत है। और इख्तिताम पे मैं वो बात कहूँगा जो हमारे धरती और ख़त्ते के एक शायर ख्वाजा ग़ुलाम फरीद ने कहा, और एक छोटी सी बात उन्होंने अपने दौर में जब कॉलोनाइजेशन का ये ख़त्ता था तो उन्होंने यही बात की, और उनकी इस जो शेर है उसके अंदर जो उन्होंने इन्हीं इसी कलोनियालिटी जो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई, इसको उन्होंने अंग्रेज़ी थाने का नाम दिया, अंग्रेज़ी थाना। और उन्होंने कहा, अपनी दुनिया को आप वसा तू पट अंग्रेज़ी थाने, कि इन अंग्रेज़ी थानों को उखेड़ फेंको, अपरूट कर दो इनको। थैंक यू वेरी मच।